तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया है। आज हम लोग पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन रिवाइज करें तो हमने कहा है, इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विथ एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इन ए मैनर सच दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। फिर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को रीड किया, तो हमने डिफाइन करा ना कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फार्म और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। फिर हमने डिफरेंस बनाया, फर्स्ट तो यही डेफिनेशन को बनाया। फिर हमने कहा स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक अज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, और इधर लिखा स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली कंसर्न किससे कंसर्न करता है बेटा, तो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर ए फर्म, तो इंडिविजुअल फर्म के लिए करता है। और इधर कहा था हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी बेसिकली कंसर्न विद डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड सेंट्रल प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी। फिर हमने कहा था कि मार्केट फोर्सेस मेन रोल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इधर कहा था गवर्नमेंट पॉलिसीज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये हम लोगों ने रीड करा था। नेक्स्ट हेडिंग डालें, एक हेडिंग डाल ले पूरा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का एक और ब्रांच डिवाइड होता है जिससे हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। पहले समझ लो होता क्या है बेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के वो स्टेटमेंट होते हैं जो कि ना फैक्ट्स एंड फिगर्स पर फिगर्स को बताते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द सेंस मैं ऐसा बोलूं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 30% है, तो ये कोई ना कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, इससे तो कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक का स्टेटमेंट। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ना बेटा पास्ट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, प्रेजेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं और फ्यूचर से भी रिलेटेड हो सकते हैं। कि हम कहें इकोनॉमिक नेचर पर कि 1950 में हमारा इतना अनएम्प्लॉयमेंट था तो ये पास्ट है, प्रेजेंट में 2020 में हमारा इतना अनएम्प्लॉयमेंट था तो ये प्रेजेंट का स्टेटमेंट है। और मैं कहूँ कि इसी नेचर पर हमने एस्टिमेशन लगा करके फ्यूचर में हमारा ना अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो सकता है, तो ये हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट होंगे। साथ ही में ये वेरीफेबल ट्रूथ होते हैं बेटा, ये वेरीफेबल ट्रूथ होते हैं हमारे लिए। बेटा वेरीफेबल फॉर ट्रूथ का मतलब होता है कि अपने पास कोई ना कोई एविडेंस होता है, इन स्टेटमेंट के बदले में अपने पास कोई ट्रूथ है, मतलब वेरीफाई कर सकते हो कि ये राइट है या रॉन्ग है, इसे कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वापस से कह रहा हूँ, देखो इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट जो है ना उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, या तो पॉजिटिव नेचर का होता है या वो नॉर्मेटिव नेचर का होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो कि पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, इनमें कोई ना कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिन्हें आप वेरीफाई कर सकते हैं, इन्हें वेरीफेबल ट्रूथ हमें हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है ना बेटा वो ओपिनियन होता है ऑफ इकोनॉमिस्ट, ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट इन द सेंस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, मान लो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इतना है ये जो बता रहे हो ना ये तो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन होता है इकोनॉमिस्ट का कि हमें इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, जिसको कहते हैं व्हाट ऑट टू बी। हमने व्हाट ऑट टू बी हम लोगों के लिए बताता है, मतलब क्या होना चाहिए इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, हमको क्या क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए बेटा यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के स्टेटमेंट होते हैं। ये वेरीफेबल ऑफ फॉर ट्रूथ नहीं होते बेटा, आप इनको वेरीफाई नहीं कर सकते ना, ओपिनियन है। अब जैसे कोरोना हो गया, अब ये इकोनॉमिक स्टडी पॉइंट तो नहीं बट ठीक है, अगर कोरोना है तो अगर मैं कोई फिगर बताऊं कि 10 दिन पहले इंडिया में इतने पेशेंट थे अभी इतने हैं और इसी सिनेरियो से फ्यूचर में हमारे लिए
अलग अलग एनालिसिस मेथड से हमने बताया कि इतने हो सकते हैं। तो ये तो हुआ लाइक एक पॉजिटिव इकोनॉमिक, और मैं कहूँ कि इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट, अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो कि अपना ओपिनियन देते हैं कि हमें ये गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, इस तरीके से वर्क करना चाहिए। ये हमारे लिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट होते हैं, इन्हें आप वेरीफाई नहीं कर सकते ना कि ये सच है या गलत है। शुरू में N95 मास्क सही है, बाद में कह दिया नहीं सही नहीं है, तो ये वेरीफाई नहीं हो सकता है हमारे पास। उसी समय पर हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाते हैं ना, जब ओपिनियन मिल रहा है आगे जाकर। अब जब उसको यूज करा, फिर स्टडी होती, तो पता चलता है कि ये जो हमने मान लो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए मान लो नरेगा बनाया, तो हमने कहा नरेगा बनाना चाहिए, ओपिनियन। अब इसको नरेगा को बनाया और उसके बाद बेटा क्या हो, वो हमारे लिए पॉसिबल, भाई हमारे लिए कहना जो पॉसिबल नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा या नहीं होगा। तो यही बेसिकली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही डेफिनेशन है और यही डिफरेंस भी हो जाते हैं। तो चलो माइंड में बिठाओ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होते हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड होते हैं। ये पास्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। ये वेरीफेबल फॉर ट्रूथ होता है, हम इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट वो होते हैं जो कि ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये वो ऑट टू बी को बताते हैं, और इनको वेरीफाई कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इन स्टेटमेंट्स को हम लोग बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं। ये हमारे लिए बेटा दो कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो मान लो मैं अगर कहूँ कि हमारे इंडिया में पॉवर्टी बेटा, मान लो कि इंडिया की 24% पॉपुलेशन बेटा पुअर है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ? तो सर ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुआ। इसको दूर करने के लिए ओपिनियन दिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने कि भाई हमें एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, हेल्थ को बढ़ाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को ये प्रोग्राम्स यूज करने चाहिए। ये कौन सी इकोनॉमिक्स का पार्ट कहलाता है? तो ये बेटा हमारे लिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट कहलाता है। बस ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। तो हेडिंग डालें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिफाइन लिखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिफाइन लिखो, यही तीनों कंटेंट मिलाकर डेफिनेशन बन जाएगा। तो आप डिफाइन करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वापस से याद कर लो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आगे और लिख लो, इट deals with such economic situation, it deals with such economic situation, it deals with such economic situation which can be studies, which can be studied, which can be studied by using facts and figures, which can be studied by using facts and figures. तो ये sufficient है definition. Positive economics deals with economic problems related to past, present and future. It deals with such economic situation which can be studied by using facts and figures, उसे हम लोग positive economics बोलेंगे। Heading डालो characteristics of positive economics, ये जो define करा ना बेटा, इसी को हम लोग बेटा यहाँ पर characteristics बना लो। तो first characteristics, positive economics deals with economic issues related to past, present and future, ये तो हो गया पहला point बेटा आपका। तो first तो वही डेफिनेशन को लिख लिया हमने, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सेकंड लिख लो, इट डील्स विथ सच सिचुएशंस, सच इकोनॉमिक सिचुएशंस विच कैन बी स्टडीड विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और एक थर्ड और लिख लो, दीज स्टेटमेंट आर वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। थर्ड पॉइंट, दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका आप वेरीफाई कर सकते हो ना कोई आपके स्टडी, केस स्टडी हुई होगा, डेटा कलेक्ट हुए होंगे, तो इसलिए आप वेरीफाई कर सकते हो। रियली हमने कहा कि भाई 30% अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम पता कर सकते ना रियली में 30 है या नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। तो तीन पॉइंट बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस विच कैन बी स्टडीड विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। ये आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, याद होना चाहिए बेटा कॉन्सेप्ट, ये सबसे मेन अपना ऑब्जेक्ट रखना। देन आएगा हमारे लिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो डिफाइन लिखते हैं सबसे पहले, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डिफाइन हो गया बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है? ओपिनियन, किसके ओपिनियन बेटा?
इकोनॉमिस्ट किससे रिलेटेड? इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड. तो नॉर्मली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड डील्स विद ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम. एक और लाइन लिख लो, इट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी. इट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ, तो दोनों डेफिनेशन कंटेंट पर देखो. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन डील्स विद ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और आगे हम लोग कह देंगे इट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी. तो व्हाट ऑट टू बी की इकोनॉमिक्स को हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं. करेक्टरिस्टिक्स बना पाओगे क्या? दो तो सर ने लिखा दिया और आखिरी में दीज आर नॉट वेरीफेबल फॉर ट्रुथ हो जाएगा. इनको आप वेरीफाई नहीं कर सकते ना, ये तो ओपिनियन है बेटा. तो फर्स्ट टू पॉइंट तो ये है, सिटीज लिख ले. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स deals with opinion of economist related to economic problem. Normative economics deals with opinion of economist related to economic problem. And second, normative economics is the economics of what ought to be. Economics of what ought to be. Finally, third, these statements are not verifiable for truth. आप इनका verify नहीं कर सकते. ये आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. सर डिफरेंस ऑब्वियसली हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. लिख पाओगे क्या? कुछ नहीं करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो ना लाइन बनाकर. ये डिफरेंस हो गया. तो मैं एक बार फिर बोल देता हूँ ताकि तुमको और याद भी हो जाए. तो आप हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. फर्स्ट कॉलम लिख लेना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, सेकंड लिख लेना बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पॉइंट, थोड़ा स्पीडली भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, आपके लिखा हुआ है बस उन्हीं को फिर लिखना है. तो मैंने लिखा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फर्स्ट पॉइंट. और उधर लिख दोगे फर्स्ट पॉइंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सेकंड लिखोगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स deals with such economic problem. इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली लिखा देता हूँ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स लिखें आप, मैं लिखा हूँ जैसे लिखना है इसको, थोड़े ज्यादा डिफरेंस पर कंटेंट बन जाएगा. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स deals with such economic problems which can be studied on facts and figures. तो इसको इधर ऐसा लिख लो, इसको ऐसा लिख लो normative economics deals with opinion of economist not based on facts and figures. Normative economics deals with opinion of economist not based on facts and figures. थर्ड को अपन ऐसे बनाएंगे, यहाँ के जो स्टेटमेंट होते हैं ना वो होते हैं बेटा व्हाट ऑट टू बी, जबकि यहाँ जो होता है ना व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी से रिलेटेड स्टेटमेंट होते हैं. यहाँ जो भी स्टेटमेंट बोल रहे हो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स तो हैं लेकिन वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड है. पास्ट वाले व्हाट वाज, प्रेजेंट वाले व्हाट इज, फ्यूचर वाले व्हाट वुड. तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू. तो हम लोग इस कंटेंट को ऐसा लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट इज, सॉरी व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी. और इधर लिख लोगे स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी, स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी से रिलेटेड होंगे. फिर नेक्स्ट लिख लो कि दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफेबल फॉर ट्रूथ. और इधर लिख लेंगे बेटा हम लोग दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफेबल फॉर ट्रूथ. तो ये चार चार डिफरेंस कर लोगे, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पहला तो अपन ने डिफाइन को ही लिख लिया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम. फिर का
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद सच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच कैन बी स्टडीड विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और इधर लिखेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स. फिर लिखा स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वॉट वॉज वॉट इज एंड वॉट वुड बी, और इधर लिखा हमने स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वॉट ऑट टू बी. फिर हमने लिखा दिस स्टेटमेंट्स आर वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ, और इधर लिख लिया दिस स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ. ऐसा कोई दिमाग लगाने वाले कंटेंट नहीं है यहाँ पर, आगे आएंगे. ये चैप्टर सिर्फ एक नॉर्मल बेस है, इसके सिर्फ कुछ थ्योरी पॉइंट है जिसको अपने को कंप्लीट करना है. ये आपका कंप्लीट है, अब आपका सिर्फ ये बच रहा है, देर में भी ये कल हम लोग फिनिश कर लें या एक दिन और लगेगा, ये आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा. फिर सारा कॉन्सेप्चुअल हमारे लिए स्टडी पॉइंट आएगा. तो ये कंप्लीट करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में.